आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे 3 एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज के ऐसे रीयूज प्रोजेक्ट्स जिनमें से हमने ट्रेडिशनल वेयर्स क्रिएट किए हैं टीनएज गर्ल्स के लिए। डिजाइन्स इस तरीके के हैं कि कोई भी एज ग्रुप इन्हें इजीली क्रिएट कर सकता है, यानी कि बोथ टीनएज और अडल्ट एज ग्रुप के जो भी लोग हैं वो इन पैटर्न्स को क्रिएट करवा सकते हैं। सबसे पहले थी हमारे पास ये सीक्वेन एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी जिसमें से हमने 3 पीस सेट बनाया है। स्कर्ट इसमें से क्रिएट की गई है, स्कर्ट में किसी भी टाइप का कैन उन्होंने ऐड नहीं करवाया, एंड इसके साथ क्रॉप टॉप और ब्लेजर है। सबसे पहले जो क्रॉप टॉप है या फिर अगर आप ब्लाउज भी बनवाते हो तो हमने इसके पल्लू में से ये इंटायर एम्ब्रॉयडर्ड एरिया निकालकर इस क्रॉप टॉप को क्रिएट किया है सो दैट हम इस एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को ब्लेजर के लिए भी बचा सकें। इस टॉप का जो बैक साइड है वो साड़ी के प्लेन एरिया में से लिया गया है। मूविंग ऑन टू द ब्लेजर, ये जो भी आउटफिट्स हैं ये हमने एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल साइज के लिए बनाए हैं। तो अगर आपके पास सिमिलर पैटर्न में साड़ीज हैं तो आप एक्सेस से लेके मे बी मीडियम तक इन फैब्रिक्स को सेम तरीके से यूटिलाइज करवा सकते हैं। उसके बाद के जो साइजेस हैं उनको एक्स्ट्रा फैब्रिक्स की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इंटायर साड़ी के बॉर्डर से ब्लेजर के सेंटर फ्रंट, ब्लेजर के फ्लेयर और ब्लेजर की स्लीव को एम्बेलिश किया है। साड़ी का जो स्कर्ट एरिया है या फिर जो प्लीटिंग एरिया है उसमें से हमने इंटायर स्कर्ट को निकाल लिया है एज इट इज। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड नहीं करना पड़ा, बस हमने लाइनिंग्स का जो फैब्रिक है इसमें वो एडिशनल ऐड किया है। सेकेंड जो आउटफिट है इसमें ये अंगरखा लुक अलाइक कुर्ती है जो अगेन क्योंकि हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड है तो हमने ये पल्लू पार्ट में से निकाल ली। ये सिर्फ अंगरखा कट की तरह दिखती है, फंक्शनैलिटी वैसी नहीं है इसकी। स्लीव्स भी सिंपल स्लीव्स हैं जिसके आगे हमने बॉर्डर को अटैच कर दिया है, एंड बैक अगेन फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। तो अगर आपके पल्लूज इस तरीके से फुली सीक्वेंस एम्ब्रॉयडर्ड है या किसी भी टाइप की एम्ब्रॉयडरी उस पर हो रखी है तो आप उसे गारमेंट के ऐसे पीस में यूज कर सकते हैं जो फोकल पॉइंट हो आपके पूरे आउटफिट का। तो यूजुअली इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स में वो टॉप वेयर हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पे हमने कुर्ती में इसको यूज किया है। साड़ी के प्लीटेड वाले पार्ट से हमने वाइड लेग पैंट्स को क्रिएट किया है जिन्हें आप प्लाजोज भी कह सकते हैं। सेम ग्राउंड्स पे थर्ड साड़ी को भी यूज किया गया है। यहाँ पे हमें जो फुली एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू मिला था, दिखने में आपको लग रहा होगा कि एक सिंपल कुर्ता है जिसके सेंटर में बॉर्डर्स को हमने अटैच कर दिया है, बट ट्रस्ट मी इसका जो पल्लू था उस पे जो पैटर्न है, एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न है, वो काफी ट्रिकी तरीके से प्लेस हो रखा था। तो इस सिंपल कुर्ता को भी उसमें से निकालने में हमें काफी टाइम लगा। इस तरीके के हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स या शरारा सेट्स इवन ब्राइडल वेयर में भी यूज हो जाता है। सो आप सोच सकते हो अगर आपके घर में अपकमिंग वेडिंग है तो इस तरीके की साड़ीज को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रीवियस कुर्ता की तरह यहाँ पे भी हमने इसके साथ वाइड लेगेड पैंट्स को पेयर अप किया है। आप चाहें तो यहाँ पे सलवार्स को पेयर कर सकते हैं इनके साथ, इवन शरारास भी क्रिएट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ योर साड़ी कि कितना कपड़ा बचता है उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल गारमेंट किस तरीके का बनेगा उसे डिसाइड किया जा सकता है। इन तीनों गारमेंट्स में किसी के साथ भी दुपट्टा नहीं था बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे, लेकिन आप इजीली इनके साथ दुपट्टा को कैरी कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर द वन जिसमें ब्लेजर वाला पैटर्न हमने क्रिएट किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ येस देन प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना मत भूलिएगा अपने व्यूज को। अगर आप हमसे कुछ भी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड ऑल्सो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो।